दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पिछले शुक्रवार 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 10वां दिन चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी शुक्रवार 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी वरुण धवन की फिल्म भेड़िया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रही है और फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमाघरों में 3रा दिन चल रहा है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भेड़िया फिल्म के पूरे 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे दृश्यम 2 फिल्म के पूरे 10 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप वरुण धवन और अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें फिल्म भेड़िया की, तो अमर कौशिक के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसमें वरुण धवन और कीर्ति सेनन अहम किरदार में नजर आए। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म थी जो कि वरुण धवन की बहुत ही ज्यादा मच अवेटेड फिल्म थी। फैंस इस फिल्म का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो फिल्म को मिले जुले रिव्यू मिले। क्रिटिक्स ने फिल्म को 3 स्टार दिए थे, मतलब कि फिल्म को एवरेज बताया था। लेकिन वही फिल्म भेड़िया की जो बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस है वो वाकई काबिले तारीफ है। बात करूं फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए का है और फिल्म को पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 3000 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने अपने पहले दिन 7.5 करोड़ रुपए का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, तो वहीं दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 9.5 करोड़ रुपए का। तो फिल्म ने अपने पहले 2 दिनों में 17 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से कर लिया था, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 25 करोड़ रुपए का हो चुका था। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 25 करोड़ रुपए अपने पहले 2 दिनों में। अब दोस्तों बात करूं तीसरे दिन यानी कि आज के, तो दोस्तों आज की ऑक्यूपेंसी भी कमाल की और फिल्म अपने तीसरे दिन 12 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कर रही है। तो फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 29 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगा और वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में लगभग 40 करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। और वैसे फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए का है, तो अगर कुछ और दिन यानी कि अगर एक हफ्ता भी फिल्म अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा देती है तो हो सकता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाए। अब दोस्तों बात करें दृश्यम 2 की, तो अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसको फैंस बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साल 2022 की बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया है अभी तक, जितनी भी फिल्म अभी तक रिलीज हुई है। फिल्म में हमें अजय देवगन, अक्षय खन्ना, श्रेया सरन और तब्बू अहम किरदार में नजर आए। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट लगभग 70 करोड़ रुपए का है और फिल्म को पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 4200 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था और अपने पहले दिन इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 15 करोड़ 40 लाख रुपए का इंडिया से नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो वहीं फिल्म का पहले 7 दिनों का यानी कि पहले हफ्ते का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 106 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कलेक्शन था, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। बात करूं 8वें दिन की, तो 8वें दिन फिल्म ने अपने दूसरे फ्राइडे को 7.80 करोड़ रुपए कमाए थे और 9वें दिन फिल्म ने कमाए हैं लगभग 14.5 करोड़ रुपए और फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 128 करोड़ 50 लाख रुपए इंडिया से नेट हो चुका है और वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड में 180 करोड़ रुपए कर चुकी है अपने पहले 9 दिनों में। बात करूं 10वें दिन यानी कि आज की, तो दोस्तों आज की ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा कमाल की है और फिल्म 20 करोड़ रुपए सिर्फ इंडिया से कर रही है, जो कि नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है इंडिया का आज अपने 10वें दिन का, तो 20 करोड़ रुपए रहने वाला है। तो फिल्म अपने पहले 10 दिनों में 148 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कर लेगी अपने पहले 10 दिनों में और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 210 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अपने पहले 10 दिनों में ही दृश्यम 2 ने 210 करोड़ रुपए के आंकड़े को छुआ है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है।